अब यहां देखिएगा, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का, ये 94 का, ये चार वैसे तो, क्योंकि 95 तो यहाँ से शुरू होता है नीचे से, ये 94वां सूक्त समाप्त होता है यहाँ 94 के ही चार नंबर में। क्या कहा है कि वह परमात्मा ऐश्वर्य के लिए सर्वत्र प्रकट है और श्री के लिए सर्वत्र गतिशील है, सब घूमता फिरता रहता है, इसका अर्थ ये है, और ऐश्वर्य को और आयु को यानी कुछ समय के लिए यहाँ रहता है, उपासकों के लिए धारण करता है, अपने भक्तों के लिए ज्ञान देने के लिए कुछ समय यहाँ भी एक जीवन यानी एक जीवन सा जी कर दिखाता है, कुछ समय यहाँ भी रहता है, लेकिन सह शरीर आता सह शरीर चला जाता है।